रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत नरकुटा में पिछले दो दिनों से रेल परियोजना का कार्य बंद है, जिसको लेकर मुख्य परियोजना प्रबंधक आंदोलन पर बैठे ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने टनल विस्फोट से आवासीय भवनों में हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की, जिस पर सीपीएम ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया। सीपीएम ने कहा मुआवजे के मामले को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात हो चुकी है, अब जल्द ही कमिश्नर के साथ बैठक कर इसे सुलझाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के मुख्य की जो रेल परियोजना समाप्त हो चुकी है, जिसको लेकर फिर से पुनर्स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्रामीणों को चारापत्ती एवं प्रदूषण भत्ता देने, नरकोटा में फ्लैग स्टेशन निर्माण, रेल परियोजना में प्रभावित परिवारों से एक एक व्यक्ति को नौकरी देने, पूरे गांव को हल्का मोटर वाहन मार्ग से जोड़ने, सरकारी जमीन पर कई वर्षों से संचालित होटल और ढाबे का मुआवजा स्वीकृत करने सहित मांग को लेकर सीपीएम ने कार्रवाई करने की बात कही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। यहाँ पर मुख्य बिंदु इनके घरों में क्रैक टनल की ब्लास्टिंग की वजह से तथाकथित कहे गए उसी के ऊपर ज्यादा चर्चा हुई है, तथा अन्य कुछ सड़क मार्ग, कुछ इनके गांव तक पहुंचने वाले रास्ते थे जो टूटे हैं, उनके रिपेयर मरम्मत की बात की गई है। और जो अभी नीचे हाईवे वाली सड़क है, इसमें कूड़ा करकट और प्रेशर की वजह से कुछ धूल मिट्टी होती है, यही मेन बिंदु पर बातें हुई हैं।